नमस्कार, himachalabhiabhi.com से मैं गीतिका पांडे, पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। कांगड़ा को छोड़ हिमाचल में प्राइवेट बस सेवा ठप, ऑपरेटर गए हड़ताल पर। कोरोना रिपोर्ट आने से पहले ही हिमाचल के कोविड अस्पताल से गायब हुआ मरीज। कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ी देगा वन निगम। कांग्रेस की लूज बैटिंग पर विक्रमादित्य सिंह ने दिए सुझाव, लिखा शीर्ष नेतृत्व को गहन चिंतन, मंथन और समय रहते कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता। कोरोना देश के लिए बना अभिशाप, 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले, 3,417 ने तोड़ा दम। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित, अब 1 जून के बाद ऑनलाइन आयोजित होंगे इम्तिहान। देश में जुलाई तक रहेगी वैक्सीन की किल्लत, अदार पूनावाला ने किया बड़ा खुलासा। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में हिमाचल अभी अभी का सभी से आग्रह है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। इसके साथ 3 एहतियाती उपाय जरूर करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। देश में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप भी टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में आज अधिकांश स्थानों पर निजी बसों के पहिए थमे हुए हैं। इसके पीछे कारण ये है कि आज से प्रदेश के कुछ निजी बस ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के चलते लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस हड़ताल में कुछ ऑटो व टैक्सी चालक यूनियंस भी शामिल हैं। वहीं कांगड़ा जिले में हड़ताल का असर कम ही देखने को मिला। इसका कारण बस ऑपरेटर्स के गुटों में बटे होना है। इससे पहले निजी बस ऑपरेटर की सरकार के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद से निजी बस ऑपरेटर यूनियंस ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। आज की हड़ताल के चलते HRTC ने अतिरिक्त बसें चलाई हैं। निजी बस ऑपरेटर यूनियन लंबे समय से सरकार से टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स माफ करने और वर्किंग कैपिटल की घोषणा पूरी करने की मांग कर रहे हैं। मंडी जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नैरचौक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कोविड अस्पताल के वार्ड में एक मरीज RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट टेस्ट आने से पहले ही अस्पताल से अचानक से गायब हो गया। वहीं कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना करने पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने बल्ह में एक शिकायती पत्र दिया गया। रविवार शाम को मंडी शहर के स्कूल बाजार के रहने वाले एक 65 वर्षीय व्यक्ति को सांस लेने की समस्या होने पर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नैरचौक लाया गया। मरीज को सारी वार्ड में कोविड सस्पेक्टेड के तौर पर भर्ती कर दिया गया। इसके उपरांत मरीज का नियमानुसार प्रारंभिक तौर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लिया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मामले में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मरीज का RT-PCR टेस्ट के माध्यम से सैंपल लेकर लैब को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ समय के उपरांत मरीज वार्ड से अचानक से वार्ड में मौजूद मेडिकल स्टाफ को जानकारी दिए बगैर बिना कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट आने के बावजूद अस्पताल से गायब हो गया। इस पर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नैरचौक प्रबंधन ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में एक शिकायती पत्र दिया। हिमाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के फैलने के साथ ही अब मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हालत ये है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह से लेकर लकड़ी तक का संकट खड़ा होने लगा है। इसे देखते हुए अब राज्य वन विकास निगम ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार कराने वाली एजेंसीज को मुफ्त में लकड़ी मुहैया कराने का फैसला लिया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने निगम के सभी डिपो को स्टैंड बाय कर दिया। निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल डिपो में मौजूद लकड़ी की बिक्री न करें, साथ ही जरूरत पड़ने पर वन भूमि को अंतिम संस्कार के लिए उपयोग में लाने के लिए इजाजत देने को भी कह दिया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस की हालत पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, अब वो समय आ गया है कि जब हमें पूर्ण रूप से आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हमने पहले भी कई बार इस विषय पर विचार रखे और आज पुनः उस बात को दोहरा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से संगठनात्मक चुनाव करवाना और उसके माध्यम से तत्व को चुनना रही है। इतिहास के हर पन्ने हम उठाकर देखें, चाहे आजादी के पहले या उसके बाद, हमें हमेशा बूथ स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव, संगठनात्मक चर्चा और हर मुद्दे पर तर्क के साथ समर्थन व असहमति के कई उदाहरण मिलेंगे, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी की विशेषता रही है। कोरोना काल के पश्चात राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक संगठनात्मक चुनाव करवाना, राज्य के नेताओं का सशक्तिकरण और मुद्दा आधारित राजनीति ही हमारे विचार से आगे का रास्ता है, जिस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गहन चिंतन, मंथन और समय रहते कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार अभिशाप बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,68,147 नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 3,417 लोगों की जान गई। इसी अवधि में रिकवर करने वालों का आंकड़ा 3,732 रहा। इस वक्त देश में सक्रिय मामले 34,13,642 है, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,99,25,604 पहुंच गया। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,18,959 पहुंच गई है। इस सबके बीच चिंता का विषय ये है कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा कि तीसरी के आसार बन गए हैं। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हो उठे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान दर को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। बता दें कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं पहले 15 मई से शुरू होने वाली थी, किंतु अब इन परीक्षाओं को 1 जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ एग्जामिनेशन डीएस रावत बताते हैं कि 2 मई 2021 को सभी विभागों के प्रमुखों और डीन्स के साथ बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में परीक्षाओं को 1 जून तक स्थगित करने का फैसला लिया गया। अब इन नई तारीखों का ऐलान 1 जून से पहले डीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर exam.du.ac.in पर जारी किया जाएगा। रावत आगे बताते हैं कि 1 जून के बाद परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। कोरोना वायरस का कहर इतनी खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा, इस बात की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकमात्र हथियार इसकी वैक्सीन बताई जा रही है, लेकिन देश में कई राज्य और जिले ऐसे हैं जहां वैक्सीन की कमी की शिकायतें मिल रही हैं। इधर 1 मई से देश में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की कमी ने अभियान की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। इसी बीच ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि जुलाई तक देश में वैक्सीन की कमी देखी जा सकती है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे।